बिक जाएगा और मीटर सभी लोग प्राप्त मिले। दूसरा विषय ये कि जो भी बिल है उसकी रेटिंग के अनुसार बिल आना चाहिए, इतना कर लीजिएगा। मैं बता रहा आपको, आप मैं बता रहा हूँ, जवाब दीजिए, बता रहा हूँ, सुन लीजिए उसका आया। दूसरी बात है, आपका जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठा है, बाबू जो बैठा हो, उसकी जिम्मेदारी, अगर किसी का मीटर सही नहीं चल रहा है, चेक मीटर लगाइए उसका, उसको दौड़ना ना पड़े, उसका चेक मीटर है उसका चेक कराइए। अगर किसी का बिल गलत आया हो तो दौड़े ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी आपके स्टाफ के बाबू मुझे सुन रहे हो, वो सुनिश्चित कर ले, यदि कोई व्यक्ति आया हुआ है किसी बिल गलत बुला है तो उसका बिल सही करे और कहीं उसको दौड़ाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, जरूर जरूर ध्यान रखे पहले। उसके साथ साथ यदि कोई उपभोक्ता कनेक्शन नए कनेक्शन अप्लाई करता है तो उसको दौड़ाया ना जाए, यदि उसकी दूरी पर्याप्त है कनेक्शन उसको हो सकता है तो उसको कनेक्शन उसको मिल जाए उसको। ये चीजें व्यवस्थित कर ली, जो आपका ऑनलाइन पोर्टल अच्छी बात ऑनलाइन पोर्टल है, लेकिन ऑनलाइन साथ साथ ऑफलाइन भी देखिए कि कोई कंज्यूमर लगातार यहाँ धक्का तो नहीं खा रहा है, लगातार दौड़ रहा है यहाँ पर है, उसको भी आप व्यवस्थित करिए। तीसरा विषय आपका ये है कि जब ट्रांसफार्मर, मैं तो सूची आपसे मांगूंगा कि इस चार सालों में, चार महीने में आपका अप्रैल मई जून आपका जुलाई, इन चार महीनों में हर जेई के अंतर्गत सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर किस गांव फूके हैं। अगर उस गांव फूके हुए ट्रांसफार्मर है, अगर उस गांव 25 किविक लगा हुआ है तो आप उसका डीपीआर बना के भेजिए कि वहां पे 63 का 100 किविक लग जाए, जहां 100 का लगा वहां 250 हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं अगली गर्मी में और बार बार ट्रांसफार्मर फूके। आपकी सबसे ज्यादा शिकायत आती है ट्रांसफार्मर फूकने की, ट्रांसफार्मर फूकने की स्थिति में आते कि हफ्ता आप ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाते आप है, अब वो भड़कते रहते हैं वो लोग हैं। इस बार इस गर्मी के निकलने के बाद जितने भी आप लोग जेल सुन लीजिए, आप लोग जहां ट्रांसफार्मर फूके हैं, ज्यादा फूके हैं, लगातार गर्मी फूके हैं, उन सबके जगह क्षमता वृद्धि हो जानी चाहिए। इस बार हमने सिधौली टाउन नहीं देखा है कि कहीं ट्रांसफार्मर फूका हो, क्यों नहीं फूका कि हमने तैयारी पहले करके रखी थी हम लोगों ने, तो इसीलिए हमारी तैयारी पहले रहनी चाहिए कि अगर बिजली जितनी मिल रही हो प्रॉपर बिजली मिले बिना ब्रेक के व्यक्ति को, तो ये हम लोग इस बार व्यवस्थित कर ले। जितना ट्रांसफार है इसी तरह हमारा सब क्षमता वृद्धि करा दीजिए और बढ़ाई बार लोड की, लोड को अपना व्यवस्थित कर ली, लोड की वहां स्थिति क्या है, तो आप क्योंकि बार बार ट्रांसफार फूकता है राजस्व का नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है, जितनी बार रिपेयर होता है, मैंने कई जगह शिकायत सुनी है, ट्रांसफार आज लाया गया और 2 घंटे फूक गया, फिर लाया गया फिर फूका, फिर लाया गया फिर फूका, एक हफ्ते में 5 बार ट्रांसफार फूका लाकर, तो ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसका हमारा व्यवस्थित करा लीजिए, इसका भी समाधान इसका हो जाए। बाकी सभी लोग आए इसी साहब, सब लोग बैठ जाए, एक मीटिंग हुई थी, कौन कौन लोग शामिल हुए, क्या उद्देश्य था मीटिंग का? देखिए आज हम लोग पावर हाउस में बैठे बुलाई मुंह जन चौपाल टाइप उन्होंने लगाया, जो क्षेत्र की समस्याएं थी लोगों की, ग्रामीण समस्याएं थी बिजली को लेकर, उनको हमने एक साथ यहाँ बुलाया हम लोगों ने यहाँ, ताकि कहीं किसी का मीटर का कहीं बिल किसी का सही नहीं आ रहा है, या कहीं पे बिजली समस्या नहीं पहुंच पा रही है, या कहीं पे ट्रांसफार्मर समस्या है, या कहीं कोई तार गिरा हुआ है, इस तरह की जो समस्याएं जो थी तमाम समस्याएं थी, उन समस्याओं लेकर हम लोगों ने पावर से बुलाया था। लोग इकट्ठा हुए सिधौली विधानसभा के, सैकड़ों की संख्या में, हजारों संख्या में लोग लगभग आए हुए हैं, सुबह लेकर हम लोग 3-4 घंटे हो गया बैठे हो गए, हम लोगों को लगातार उनकी समस्या सुन रहे, जो भी समस्या आ रही है हमारे साथ में, हमारे एक्सचेंज साहब हमारे आए हुए हैं सीतापुर से, और एसी साहब हमारे आए हुए हैं, बाकी सभी यहाँ के जो जेई है यही है, सारा स्टाफ यहाँ पे उपस्थित है और हम लोग समस्या का समाधान कर रहे हैं जो आए हुए हैं। विधायक जी, देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत समस्या ज्यादा है, तारों की समस्या है, ट्रांसफार्मरों की समस्या है, क्या कहेंगे इसको? देखिए समस्या बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए सिधौली में हम लोग जब पहले विधायक बने, जैसे मैं सिधौली में देखा, मैंने यहाँ पे लगातार ट्रांसफर समस्या रहती थी, हम लोग पिछले जाड़ों में बैठ करके हम लोगों ने प्लान बनाया और जितनी क्षमताबद्ध करा के, जितने भी ट्रांसफर हमारे जो 100 के 200 करा दिया, 63 के 100 करा दिया, जो 100 के 250 करा दिया, सारी क्षमताबद्ध करा करके इस बार गर्मी में एक भी ट्रांसफर सिधौली हमारे टाउन नहीं फूका, और जिसका कारण रहा कि विद्युत आपूर्ति अच्छी चलती रही। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं जितना सिधौली पूरे विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां भी 16 KV ट्रांसफर लगा हुआ है, या 16 का हम 25 कराएंगे, 25 का 63 कराएंगे, 63 का 100 का कराएंगे, 100 का 200 कराएंगे, सारी क्षमता वृद्धि हम लोग इस आने वाले गर्मी के लिए हम लोग कराएंगे। तो और जहां जहां पे तार देखा है,
जो जीआई तार पड़े हुए हैं हमारे, उनसे बात हो गई, इसी तरह बात हो गई, हम जीआई तार को भी उन्होंने चेंज करेंगे। जहां जहां खंभे की समस्या है, एक खंभा नहीं लगा हुआ, कहीं खंभा टूटा हुआ है, तार कहीं पड़ा हुआ है, उसके भी बात हुई है, जो जो शिकायत जहां जहां मिली हुई है उनको हम लोग तत्काल प्रभाव से उसको सही कराएंगे, ताकि ग्रामीण लोगों को विद्युत आपूर्ति अच्छे तरीके से हो। लगभग 10 दिनों से लाइट बिल्कुल ठहर है, जिसमें कई ग्रामवासी कई सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हाँ, जो अभी आप अभी आए हैं, अलादातपुर समस्या जो भी बात हुई है, तो अलादातपुर मैंने इसका बताया है, इसका बताया है, अभी मीटिंग के बाद तुरंत भेजेंगे और उसको सही कराने के उस पर काम करेंगे। कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक खंभे लाइन ही नहीं बिछी, उसके लिए उससे बात हुई। हमारे गांव, हमारे विधानसभा में 4 से 5 गांव ऐसे हैं, छोटे मजरे हैं, जिन गांव बिजली अभी नहीं हो पाई है, उन गांव बिजली के लिए हम लोग बात हुई है, उसका DPR गया हुआ है, वहां विद्युतीकरण हो जाएगा। और जो भी समस्या है, मैं जो भी यहाँ पे हमारी बात हुई है, जो भी अगर कहीं स्टाफ है, कर्मचारी है, जहाँ कहीं मीटर रीडर से लेकर के लाइनमैन से लेकर के JEE से लेकर जहाँ कहीं कोई असुविधा हो रही है, जो ग्रामीण असुविधा हो रही है, उसके हम सबकी बात सुन रहे हैं और निश्चित है उसको। और हमारी बैठक आज बैठक हुई, हम लोग 3 महीने का फिर हम बैठक करेंगे, निश्चित है। हम चाहते हैं बिजली की समस्या, हमारी पावर हाउस खत्म हो, कितने और समय में समस्या का समाधान होने की निश्चित है। जो भी समस्या है, जो होने वाली, जो तत्काल हो तत्काल हो जाएंगी, और जो भी कहीं न कहीं जिनमें समय लगना है, जो 1 हफ्ते लगना है, 1 महीने लगना है, जिनमें कहीं अगर किसी ने कहा है क्षमता वृद्धि होनी है, तो उसमें 1 महीने से आसपास लग जाएगा, क्षमता वृद्धि जल्दी हो जाएगी, कहीं तार बदल जाएंगे, तो निश्चित है और सुधार मिलेगा। इस बैठक के बाद में निश्चित है ग्रामीण वासियों को एक लाभ मिलेगा, यहाँ पे जो बिजली का अच्छे से उनको लाभ मिलेगा जो मिल रहे, और जहां जहां हमने काफी लोग देखा जिनके बिल नहीं अच्छे से सही आ रहे हैं, बिल की समस्या थी, उस बिल की समस्या को भी दूर करने में बात हुई है कि हम लोग कह भी दिया यहाँ पे जो भी स्टाफ बैठता है, अगर किसी का बिल सही नहीं आ रहा है तो उसका बिल का सही किया जाए और उसका बिल का भुगतान उसका समय पर हो सके। ठीक है, फैक्ट्री बंद है, ये गुप्त जय का काम है, ये घूस भी लेते हैं, घूस लेते हैं, मैंने रिपोर्टिंग है मेरी, भाई साहब मीटर लगवा दीजिए, उसके बाद बिल जमा होगा। दादागिरी क्यों किया? अरे बताया क्या हुआ? रात में 12 बजे क्यों घोड़ा पे लगवा बताओ? पहले बात होने के बने भाई, उनका बुला रहे। अरे सुनिए पहले, ऐसा है इनका इनका मीटर लगवाया है, पूरा अपना बिल दे दीजिए आप। 4 दिन का नुकसान भी बढ़ गया, 12 बजे रात को कौन से लोग ठीक है, लेकिन 4 दिन एक क्यों नहीं बिल जमा किया, समझ गया आपने? सर बिल में 6 महीने से एप्लीकेशन दे रहा हूँ। सुनिए बिल ही नहीं निकला। इसी पावर हाउस रोड पे छोटा सा कारखाना गिलास का लगा हुआ है, उसका कागज का गिलास बनाते हैं, जिसका बिल सही करने के कारण, बिल न सही होने के कारण इनका कलेक्शन में बिल लेट हुआ, उसमें इन्होंने 1 तारीख को 20,000 रुपए जमा कर दिया। उसके बाद यहाँ के जई साहब 12:30 बजे रात को उसका केबिल और वो मीटर उतरवा लेते हैं। क्या यही इस तरीके का तंत्र है ना? रात में मतलब केबल उतरवाने का तो इस तरीके से व्यापारियों के साथ किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर मैंने इज्जो साहब से भी कहा, इज्जो साहब ने कहा, मैं जेब साहब से कहता हूँ, खैर कल इन्होंने 5 महीने बाद मेरा फोन उठाया, उसके बाद ये कहते हैं कि 2 दिन के अंदर कनेक्शन नहीं जमा, बिल नहीं जमा होगा तो हम PT करा देंगे। अरे हमारा कनेक्शन कार्ड आपको, तुम PT नहीं करा पाए, इनका PT तुम क्या कराओगे? वो पहली बार जब 20,000 रुपए जमा कर दिया था तो 10-15 दिन का टाइम देना चाहिए था। अरे दो टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में जमा कर दिया, किसी समय व्यापारिक चलता है, किसी समय नहीं चलता। हमारे पास जो है जो ऊपर कंज्यूमर है, हमारे कंज्यूमर है, तो इनका कुछ बिल में डाउट था, इनको स्टार्टिंग में जो हमारे पास आए थे 1 हफ्ते पहले की बात है, आए थे कि उनको बिल में डाउट है, उनको बिल बता दिया गया था कि आपका लगभग बिल इतना बनेगा, बिल क्लियरिटी और इनको डाउट था, जिसकी वजह से उनको बताया गया ना 50,000 रुपये का फार्टमेंट करा दी, तो उनका बताया खर्च आसपास हो गया जिस संबंध में 20,000 रुपये जमा करा के ऊपर। इतना हम लोग जो हमारे कंज्यूमर रहते हैं सर, उनका जो है हम लोग वसूली जो है 30 तारीख से पहले सुनिश्चित करनी होती है उनको, जिस तरह में सर ये 20,000 रुपये जमा हुआ तो बाकी जमा नहीं, जिस तरह जो सर बकाया इन्होंने 5 दिन करके जमा किया है, कितने महीने बाकी का बकाया सर इनका ओवर जो इन्होंने लास्ट पेमेंट किया था हमको लगता है कितने महीने हो गया पुराना? 22 करोड़ सर। ये बताइए एक मिनट, ये बिल कौन देगा? मीटर रीडर सर। तो मीटर रीडर क्या काम है? बिल बनाने का। तो मीटर रीडर का बिल बनाने का काम है, मीटर रीडर बिल क्यों देगा वहाँ?
सर एक्चुअली में इनका अगर हर महीने बिल लेके अगर मीटर रीडर आपका जाएगा तो घोटा जमा कर सकता है। जब आपका मीटर रीडर नहीं जाता, मीटर रीडर क्यों नहीं जाता है? स्लिप ले रहा होगा, नहीं स्लिप ले रहा होगा, उसको आपके कॉन्ट्रेक्टर दे रखा, कॉन्ट्रेक्टर वो पेमेंट करा रहा होगा। जब मीटर रीडर नहीं जाए, एक साथ अगर आपका जाएगा, एक साल बाद बिल इकट्ठा लेके जाओगे तो घोटा दे पाए एक साल का बिल? उसके बावजूद अगर वो बिल उसने 20,000 रूपए दिया है, जिम्मेदार याद मंत्री बिल आप पहुँचाए आप, स्थिति ये है कि जो मीटर रीडर है यहाँ पे सिधौली में, कोई भी बिल जाएगा उसका 400-500 जो भी बिल बनेगा ग्रामीण का, वो उपभोक्ता बिल देगा, लेकिन कोई भी नहीं जाता है। फिर एक साथ 2 महीने, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, एक साथ जब भी पहुंचाते हैं उसको, 1-2 लाख पहुंचा देते हैं, तो किसी भी उपभोक्ता की, ग्रामीण में रहने वाले किसान की हैसियत नहीं जो 2 लाख रुपए आपका जमा कर दे। बिल्कुल सहमत है। तो मेरा मानना यह है कि एक साथ ध्यान रखिए यहाँ पर, यहाँ पर इसी आइए और ठीक कराइए, ठीक कराने के लिए मैं वही बात कर रहा हूँ। आप ये तय कराइए कि जो भी मीटर रीडर है एक ग्राम पंचायत में या कितने में मीटर रीडर काम है, इस मीटर रीडर को व्यवस्थित करिए ताकि वो मीटर रीडर बिल पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचा रहा, चेंज करा दीजिए मीटर रीडरों को यहाँ से। उसमें विधायक है, लोगों के मोबाइल पे बिल चले जाने चाहिए तो ये समस्या बहुत आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी। ये सुझाव नोट करें, लोगों के मोबाइल 100% फीड हो जो बिजली कनेक्शन लिए हैं, शायद लोगों को मौका नहीं मिलेगा, जो भीड़ लगती है वो नहीं लगेगी। माननीय विधायक जी मौजूद है, क्या कहेंगे? माननीय विधायक जी जो बैठक बुलाए उसमें बिल्कुल सुधार के संबंध में तमाम शिकायतें उन्होंने लगाई थी, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि सारे अधिकारियों को कर्मचारियों को बैठा के उसके समाधान के बारे में चर्चा की जाए। बहुत से सुझाव और शिकायतें प्राप्त हुई है जिसका समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाएगा और उम्मीद है कि अभी जल्दी इसका रिजल्ट जो आप लोग दिखने लगेगा, आशातीत बिल्कुल में सुधार प्रतीत होगा। सर कस्बे के बंद ग्रामीणों की समस्या ज्यादा है, ग्रामीणों में शिकायत भी ज्यादा है, ग्रामीणों में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। जी जी, मैं अभी क्योंकि अभी जल्दी आया हूँ, लेकिन जो फीडबैक मुझे है कि वहाँ की क्षमता वृद्धि, ट्रांसफार्मर जैसा माननीय विधायक जी ने कहा, और जर्जर तारों की स्थिति ज्यादा गड़बड़ है। यहाँ से प्रयास किए गए थे लेकिन अप्रूवल उस समय नहीं मिल पाया था, हमारी पूरी कोशिश होगी। जैसे कि सर ये कुचलाई फीडर अत्यधिक लंबा होने के कारण और बार बार ट्रिप कटिंग हो जाती है कि ये बाड़ी करीब में पड़ता है और बड़ी ज्यादा होने के बाद भी ज्यादा बार बार फ्लाइट कट जाती है। ऐसे जो बहुत लंबे फीडर है उनके रास्ते में जो पेड़ और गालियां हैं उसकी फिटिंग समय से हो और कोशिश रहेगी आने वाले समय में उसकी लाइन छोटे करने के लिए और फीडर बनाए जाए। इसके लिए माननीय विधायक जी ने नए बिजली घर का प्रस्ताव किया है, अगर वो बन जाएंगे तो फीडर हमारे छोटे होने लगेंगे।